कि आपको भी जगह जगह ट्रेवल करना पड़ता है और आप ये चाहते हैं कि डीटीसी बस का जो पास होता है वो आप बना पाए। आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आप डीटीसी बस का जो पास है वो बना सकते हैं। वो आप ई पास भी बना सकते हैं जो आप मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो इसका फिजिकल पास भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं टैकल फॉर हुसैन चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आ जाना है अपने ब्राउजर में और यहाँ पे आपको सर्च करना है डीटीसी बस पास। यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, अप्लाई बस पास दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आर यू एग्जिटिंग बस पास यूजर। अगर आपने अब से पहले ई पास वगैरह बनवाया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप कौन सा पास बनवाना चाहते हैं, यानी कि आप ई बस पास बनवाना चाहते हैं जो कि एक वर्चुअल बस पास होता है जो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, आप कहीं पे भी इसको दिखा सकते हैं, या फिर आप प्रिंटेड बस पास बनवाना चाहते हैं। तो अगर आपको ई बस पास बनवाना है तो यहां पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यहां क्लिक करना है। माने कि चलिए हमको प्रिंटेड बनवाना है तो हम यहां प्रिंटेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है सिलेक्ट बस टाइप, हमें यहां पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां से आप जनरल कर सकते हैं और जनरल के बाद आप यहां से सिलेक्ट बस टाइप पे दोबारा क्लिक करेंगे और जहां से भी आपको ये चाहिए वो आप यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर यहां पे आपको जनरल पास नहीं बनवाना है, आप यहां पे कंसेशनल पास बनवाना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप यहां पे स्टूडेंट हैं तो आप यहां स्टूडेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आपको अपना नेम एंटर करना है, उसके बाद यहां पे फादर नेम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एज ये अपने आप यहां पे खुद फेच कर लेगा। यहां पे आपको जेंडर, यहां पे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, इसमें आप अपना हाउस नंबर जरूर डाल लें क्योंकि ये प्रिंटेड पास है, ये आपके घर पे आ जाए। और यहाँ पे सिटी, पिन कोड और यहाँ पे रीजन वगैरह, ईमेल एड्रेस डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल कोड डालना है, यहाँ पे स्कूल नेम वगैरह आपको आ जाएगा, क्लास वगैरह डालनी है, रोल नंबर डालनी है, और यहाँ से आपको ये जो सिग्नेचर वगैरह इंस्टीट्यूट के लग मांग रहा है वो यहाँ पे आपको फिलअप करने हैं। इसके अलावा यहाँ से आप बैक भी आ सकते हैं, इसमें और बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कंसेशनल पास की जगह जनरल पास बनवाना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, इस बस पास यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको यहां पे देखिए दिल्ली टू बहादुरगढ़ के लिए चाहिए या गुड़गांव के लिए चाहिए तो जो भी आप चाहिए वो आप यहां पे कर सकते हैं। जैसे हमें यहां से दिल्ली एंड एनसीआर एयरपोर्ट एसी बस पास चाहिए तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पहले जैसा ही इंटरफेस आपको दिखेगा, यहां पे भी आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह यहां पे फिलअप कर देनी है। यहां पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है कब से ये चाहिए, यहां पे आपको अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद 1800 रुपए लगेंगे, 1800 रुपए आपके इस ई पास के एक महीना के। यहां पे आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है, उसके बाद यहां पे कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चे को आपको यहां फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पे हमारा पूरा फॉर्म आ जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यहां पे हमारा पूरा फॉर्म आ गया है। आपको यहां आई कंफर्म पे क्लिक करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहां पे फिल करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है फिजिकल कार्ड है, प्रिंटेड कार्ड है, तो डिलीवरी चार्ज भी हमें यहाँ पे देना होगा, हमें यहाँ पे टोटल 1833 रुपए देने होंगे। यहाँ पे आप पे पे क्लिक करेंगे, पे पे क्लिक करने के बाद ये आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड से या फिर जो आपका और इंटरनेट बैंकिंग है, भीम यूपीआई है, वैलेट्स वगैरह हैं, यहाँ से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसका पेमेंट करने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये आपका जो प्रिंटेड ई पास होता है वो आपके एड्रेस पे पहुँच जाता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।